जानी नहीं। अच्छा, बारिश कितने घंटों से चल रही है? तो 24 घंटे हो गए। 24 घंटे निचले, अगर बारिश ऐसी और कुछ घंटे चलती है तो क्या हालात हो जाएंगे? तो राजस्थान के बाड़मेर जिले में बिपर जो एक चक्रवर्ती तूफान का कहर साफ तौर पर देखने को मिल रहा है, और इस वक्त हम राजस्थान के बाड़मेर के चौटन क्षेत्र में है, और चौटन में आप देखिए किस तरीके से यहाँ बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जो है लगातार पिछले कई घंटों से चल रही बारिश के कारण यहाँ पर आप देखिए कि किस तरीके से सड़क टूट तोड़कर ये है पानी जो पूरे शहर का है वो यहाँ से जा रहा है। हालांकि कई बिल्डिंगे हैं वो इस पानी उसके पास से ही पानी गुजर रहा है। अपने आप में चिंताजनक स्थिति यहाँ पर बनी हुई है, और अभी भी आप देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर पहाड़ों पर जो है वो बादलों ने डेरा डाला हुआ है, और लगातार यहाँ पर जो लोग यहाँ के हैं वो इस चिंता में है कि अगर इसी प्रकार की बारिश का दौर चालू रहता है जारी रहता है तो यहाँ पर क्या हालात होंगे। और आप देखिए कि लगातार बारिश के कारण एक नदी बहनी यहाँ पर शुरू हुई है, यहाँ जो जाने वाला जो मुख्य सड़क है उस सड़क को तोड़ दिया है, सड़क इस पानी के कारण टूट गया है, और यहाँ पर लोग जो हैं ये लगातार यहाँ पर पहुंच रहे हैं। कुछ और तस्वीरें भी मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन इसके जुड़ी कई ऐसी बस्तियां हैं जिनके अंदर लोग जो है वो फंसे हुए हैं, निचले हिस्सों में रहते हैं, पर कुछ लोग हैं उनसे भी बात करने की कोशिश करूंगा। अच्छा, क्या नाम है आपका? सत्ताराम हुड्डा। सत्ताराम जी, क्या हालात है चौटन के? हालात तो इधर रहिए थोड़ा सा, इधर इस साइड की साइड है जो हालात तो आप देख रहे हो, कोई धनी नहीं है, पब्लिक का कोई धनी नहीं। अच्छा, बारिश कितने घंटों से चल रही है? बारिश तो 24 घंटे हो गए। 24 घंटे निचले जो बांकलरा बस्ती है इस पहली साइड में, यहाँ गलियों में पूरा कचरा भरा हुआ है, पब्लिक की कोई सुनाई नहीं है, घरों के अंदर पानी घुसा, घरों के अंदर पानी घुसा है, खाली है नहीं। तो क्या कितनी कितनी परेशानी हो रही है? परेशानी तो अब अगर बारिश ऐसी और कुछ घंटे चलती है तो क्या हालत हो जाएंगे? तो हालत यहाँ हो जाएगी, कोई पता ही नहीं लगेगा कहाँ है और कहाँ चौटन था। निश्चित रूप से आप देखिए कुछ और लोग हैं, आप बताएं क्या नाम भैया आपका? मेरा नाम लजपत सिंह है। लजपत सिंह, यहीं के हैं आप? हाँ, यहीं के। क्या हालात, क्या दृश्य चल रहा है? दृश्य पत्रकार जी, यहाँ सुबह करीबन 4 बजे से बारिश चालू हुई है, अभी तक बारिश चल रही है, और आमजन से लोगों को परेशानी बहुत दिक्कत हो रही है। यहाँ की जो कच्ची आबादी बस्ती है वो तो कम से कम 4-6 फीट पानी है। मेरी प्रशासन से यही अनुरोध रहेगा कि समय रहते ये नाले का काम अगर चालू करवा दे तो ठीक रहेगा, नहीं तो आने अभी बारिश का मौसम आगे है, अगर ज्यादा अगर ध्यान नहीं दिया तो पब्लिक। और निश्चित रूप से यहाँ के हालात देखिए किस तरीके से लगातार जो है यहाँ पर जो सड़क है, मेरे सहयोगी आपको दिखाएंगे कि यहाँ पर जो सड़क थी उसको तोड़ने के बाद ये पानी जो है कितना गहरा गड्ढा यहाँ पर किया होगा। आप देखिए करीब इस उस तरफ की बात करें तो 5-7 फीट आपको नजर आएंगे, लेकिन इस तरफ करीब 20 फीट जो गहरा गड्ढा है वो इस तेज प्रवाह से चल रहे पानी के कारण हुआ होगा। कुछ लोग और भी यहाँ पर फोटो है, भैया एक तरफ आ जाइए, मैं यहाँ से तस्वीरें दिखाने की कोशिश करूंगा। आप देखिए यह पेड़ जो है वो किस तरीके से इस पानी के बहाव के साथ चले हैं। दूसरी तरफ बड़ी बिल्डिंग है, एक कॉलेज की बिल्डिंग है, वो भी कहीं ना कहीं पानी का इसका जो है शिकार नहीं बन जाए। इस पानी के वेग जो है प्रवाह लगातार चल रहा है, कहीं ना कहीं लगे यहाँ के लोगों के लिए चिंता का विषय बना हुआ। आप बताएं भैया क्या नाम है आपका? सुरताराम नाम है मेरा। सुरताराम जी, क्या हालात है चौटन में अभी बने हुए? हालात गंभीर है, बहुत गंभीर है। तो क्या यहाँ जो लोग हैं निचले हिस्सों में रहते हैं, चाहे सुंदरनगर की बात करें, बांकलसरा की बात करें, तो यहाँ क्या स्थिति बनी हुई है? बिल्कुल गंभीर स्थिति बनी हुई है। निश्चित रूप से मैं कुछ और जगह जाकर के आपको पूरी की पूरी अपडेट दूंगा, लेकिन यहाँ की हालात आप देखिए किस तरीके से जो लगातार हैं, यहाँ पर बिपर जो तूफान का कहर और उसका असर सीधा तौर पर यहाँ पर देखने को मिल रहा है।